हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. माय सेल्फ प्रोफेसर पूर्णिमा डोंगरे, सब्जेक्ट टीचर ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट: टू इम्पार्ट एक्सेलेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स टू डेवलप एम्प्लॉयबल सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स. मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट: देयर आर थ्री मिशंस ऑफ द डिपार्टमेंट एंड दीज आर. मिशन नंबर वन इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू बेनिफिट स्टूडेंट्स. मिशन नंबर टू इज इम्पार्टिंग द मॉडर्न टेक्निकल स्किल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी. मिशन नंबर थ्री इज टू डेवलप सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर्स. टू अचीव दिस विजन एंड मिशन देयर आर सेवन प्रोग्राम आउटकम्स एंड दीज आर. PO1 इज बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज. PO2 इज प्रॉब्लम एनालिसिस. PO3 इज डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस. PO4 is Engineering Tools, Experimentation and Testing. PO5 is Engineering Practices for Society, Sustainability and Environment. PO6 is Project Management. And PO7 is Lifelong Learning. In today's session, we will see Unit 3, that is Drawing of Load-Bearing Structure. And today's topic is Develop Plan. To study this topic, we will go through learning outcome. And it includes course outcome, program outcome and unit outcome. सबसे पहले देखते हैं course outcome. Prepare submission and working drawing from the given requirement for load bearing structure. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप जरूरत के हिसाब से लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए सबमिशन एंड वर्किंग ड्राइंग बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7. जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी पीओज का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू ड्रॉ डेवलप प्लान एलिवेशन सेक्शन साइट प्लान फ्रॉम द गिवन लाइन प्लान फॉर लोड बियरिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए लाइन प्लान यूज करके डेवलप प्लान एलिवेशन सेक्शन साइट प्लान ड्रॉ कर सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड डाटा रिक्वायर्ड इन ड्रॉइंग ऑफ ए स्ट्रक्चर. इन टूडे सेशन वी विल स्टडी अबाउट डेवलप प्लान, दैट इज हाउ टू ड्रॉ डेवलप प्लान फ्रॉम सिंगल लाइन प्लान. सबसे पहले देखते हैं डेवलप प्लान के बारे में. वॉट इज मीन बाय डेवलप प्लान? इट इज अ फ्लोर प्लान इंडिकेट्स अ हॉरिजेंटल सेक्शन ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम टॉप. Develop plan of a building indicates thickness of walls, location of openings, staircase position, etc. Develop plan means horizontal direction में दिखाया गया building का top view. इसमें wall thickness, दरवाजे, खिड़कियाँ और सीढ़ियों की position दिखाते हैं. Develop plan includes the following data. फर्स्ट है वॉल थिकनेस.
सेकंड है पोजीशन ऑफ डोर्स, थर्ड है पोजीशन ऑफ विंडोज, फोर्थ है डायमेंशन ऑफ रूम्स एंड फिफ्थ है शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स। मीन्स डेवलप प्लान में क्या क्या ड्रॉ करना है। डेवलप प्लान में वॉल थिकनेस दिखनी चाहिए, पोजीशन ऑफ डोर्स दिखने चाहिए, पोजीशन ऑफ विंडोज दिखने चाहिए, हर रूम के डायमेंशंस दिखने चाहिए और शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स का चार्ट दिखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन प्लान ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। वॉल थिकनेस इज 300 mm एंड पार्टीशन वॉल बिटवीन बाथ एंड डब्ल्यूसी इज 200 mm। सी द सिंगल लाइन प्लान ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यह प्लान रेफर करके आपको डेवलप प्लान ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट। सी द कैलकुलेशंस यूज्ड इन ड्रॉइंग। सबसे पहले देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दिस इज द वॉल थिकनेस 0.3 meter, रूम की डायमेंशन 3.5 meter, वॉल थिकनेस 0.3 meter, रूम की डायमेंशन 4 meter एंड दिस इज द वॉल थिकनेस 0.3 meter। टोटल लेंथ इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज 8.4 meter। सिमिलरली यू कैन फाइंड द कैलकुलेशन ऑफ टोटल लेंथ इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज वॉल थिकनेस 0.3 meter, रूम की वर्टिकल डायमेंशन दैट इज डेप्थ 4 meter, अगेन वॉल थिकनेस दैट इज 0.3 meter, रूम की वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज डेप्थ 3 meter एंड वॉल थिकनेस। इन दिस वे द कैलकुलेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 7.9 meter। तो सबसे पहले आपको 8.4 meter बाय 7.9 meter का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद एंड पॉइंट से वॉल थिकनेस लेते हुए हर रूम के डायमेंशन ड्रॉ करना है। रूम्स डायमेंशन होने के बाद हर रूम को नाम देना है और उसके नीचे डायमेंशंस लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको डोर एंड विंडोज की पोजीशन ड्रॉ करना है एंड लास्टली आउटर डायमेंशन डायमेंशन लाइन यूज करके लिखना है। इन दिस वे यू विल ड्रॉ अ डेवलप प्लान फ्रॉम गिवन सिंगल लाइन प्लान। नेक्स्ट यू विल सी द वीडियो ऑफ ड्रॉइंग डेवलप प्लान फ्रॉम सिंगल लाइन प्लान।
In this way, in today's session, we studied about develop plan, that is how to draw develop plan. Hope you understood the portion explained here, and in next session, we will see the topic elevation. Important question on today's topic is, draw develop plan from given single line plan. Mention schedule of openings in details. आपको यह डेवलप प्लान स्केच बुक में ड्रॉ करना है।
Draw this develop plan as per instructions provided to you in sketchbook. If you will face any difficulty, then watch the video again or contact me. Thank you for watching the video.